हेलो दोस्तों, कैसे हो दोस्तों। विंडोज 10 हो या फिर विंडोज 11 हो, बिना SSD के परफॉर्मेंस मिलना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। और मार्केट के अंदर अगर हम SSD बाय करने जाते हैं तो इतने सारे ब्रांड्स अवेलेबल है और इतने सारे ब्रांड्स की इतनी सारी वैरायटी अवेलेबल है कि दिमाग ही काम नहीं करता कि कौन से ब्रांड की तरफ हमें जाना चाहिए और कौन से ब्रांड का कौन सा मॉडल हमें बाय करना चाहिए। क्योंकि हर ब्रांड की अपनी अलग कुछ खासियत भी होती है, कुछ ड्रॉबैक्स भी होते हैं, कुछ कमियां भी होती है। तो ऐसे में यार एक सही गाइडेंस के बिना एक अच्छी SSD बाय करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो चिंता मत कीजिए, मैं हूं ना। मैंने मेरी पिछली वीडियो के अंदर आपको बताया था कि टॉप 5 जेन 4 NVMe कौन सी है मार्केट के अंदर, ठीक है। और आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा टॉप 5 जेन 3 NVMe। अब देखिए, क्वालिटी प्रोडक्ट तो हर कोई खरीदना चाहता है, लेकिन हर किसी के लिए प्रेफरेंस जो है वो अलग अलग होती है, ठीक है। कोई अपने बजट के अंदर अच्छा प्रोडक्ट खरीदना चाहता है, किसी को बजट की प्रॉब्लम नहीं है लेकिन वो टॉप मोस्ट मॉडल खरीदना चाहता है, ठीक है। तो मैंने इस वीडियो के अंदर कोशिश की है कि मैं उन मॉडल्स को शामिल करूं तो जो ना कि ज़्यादा कॉस्टली है और उनकी परफॉर्मेंस भी काफ़ी बढ़िया है, ठीक है। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की टेक्नोबाजी शुरू करते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि हम यहाँ पर टैक्स रिलेटेड टॉपिक्स के ऊपर बात करते रहते हैं, प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशंस के ऊपर बात करते रहते हैं। और मेरी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। आज का टॉपिक शुरू करें तो आज की वीडियो में पांचवें नंबर पर आती है WD की ब्लैक SN750। WD ब्लैक SN750 के 5 कैपेसिटी वेरिएंट आपको देखने को मिल जाते हैं, 250GB, 500GB, 1TB, 2TB एंड 4TB, जिसके अंदर सैंडिस्क के कंट्रोलर का यूज किया गया है और डेटा को स्टोर करने के लिए सैंडिस्क की 64 लेयर वाली TLC NAND फ्लैश मेमोरीज का यूज किया गया है। एंड इसके सभी वेरिएंट के अंदर आपको DRAM देखने को मिल जाती है, जो कि SK Hynix DDR4 DRAM इसके अंदर दी गई है। अब बात करते हैं रीड एंड स्पीड की। तो 250GB का जो वेरिएंट है उसके अंदर आपको रीड स्पीड मिलती है 3100 MBPS की और राइट स्पीड मिलती है 1600 MBPS की। इसी तरह 500GB के वेरिएंट के अंदर आपको 3470 MBPS की रीड स्पीड मिलती है और 2600 MBPS की राइट स्पीड मिलती है। 1TB का वेरिएंट अगर आप लेते हैं तो 3470 MBPS की रीड स्पीड मिलेगी और 3000 MBPS की राइट स्पीड मिलेगी। 2TB के वेरिएंट के अंदर आपको स्पीड मिलेगी 3400 MBPS की रीड स्पीड और राइट स्पीड मिलेगी 2900 MBPS की। 4TB का वेरिएंट के अंदर सबसे ज्यादा रीड एंड राइट स्पीड दी गई है, 3400 MBPS की रीड स्पीड है और 3100 MBPS की राइट स्पीड देखने को मिल जाती है। WD Black SN750 के अंदर MTBF यानी कि मीन टाइम बिटवीन फेलियर जो आवर्स दिया गया है वो है 1.75 मिलियन आवर्स। मोस्टली सभी NVMe SSDs के अंदर आपको 5 साल की वारंटी देखने को मिल जाती है या फिर TBW पूरा होने तक की वारंटी दी जाती है। जो भी टाइम पहले पूरा हो जाता है वो वारंटी आपको मिल जाती है। 250GB वेरिएंट के अंदर 200TBW का राइट एंड्योरेंस है, 500GB के अंदर 300TBW का है, 1TB मॉडल के अंदर आपको 600TBW का राइट एंड्योरेंस देखने को मिलेगा, 2TB मॉडल के अंदर 1200TBW का है और 4TB मॉडल के अंदर आपको 2400TBW का राइट एंड्योरेंस देखने को मिल जाता है। 250GB हीट सिंक वाले मॉडल के लिए आपको तकरीबन 6000 रुपये तक खर्च करने पड़ेंगे, 500GB मॉडल के लिए तकरीबन आपको 9000 रुपये तक खर्च करने पड़ेंगे और 1TB मॉडल के लिए आपको देने होंगे 13300 रुपये। इस वीडियो के अंदर मैंने 5 ब्रांड्स की 5 NVMe SSD को शामिल किया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जो बाकी के अदर ब्रांड है जो मैंने इस वीडियो में शामिल नहीं किए हैं उनके जो मॉडल्स हैं वो अच्छे नहीं हैं। लेकिन दोस्तों, मैंने सिर्फ उन्हीं मॉडल्स को और उन्हीं ब्रांड को शामिल किया है जो कि रेगुलर है, जो ऑफलाइन मार्केट और ऑनलाइन मार्केट दोनों में इजीली आपको अवेलेबल हो जाए, जिनके सर्विस सेंटर भी अवेलेबल हो, क्योंकि सिर्फ खरीदना ही मायने नहीं रखता, बाई चांस अगर कभी आपको प्रॉब्लम आती है तो सर्विस सेंटर भी अवेलेबल होना चाहिए, ठीक है। SSD मार्केट के अंदर क्रूशियल ने काफ़ी जल्दी अपनी जगह बनाई है, क्योंकि इसके जो प्रोडक्ट हैं काफ़ी बढ़िया हैं और प्राइस भी औरों के मुकाबले में काफ़ी कम है। चौथे नंबर पर आती है हमारी क्रूशियल की P5 NVMe। क्रूशियल P5 के 4 कैपेसिटी वेरिएंट अवेलेबल है, 250GB, 500GB, 1TB एंड 2TB। डेटा को कंट्रोल करने के लिए क्रूशियल की NVMe आर्किटेक्चर दिया गया है और माइक्रोन की 96 लेयर TLC मेमोरीज का इसके अंदर इस्तेमाल किया गया है डेटा को स्टोर करने के लिए और इसके सभी मॉडल्स के अंदर आपको LP यानी कि लो पावर DDR4 DRAM देखने को मिल जाती है। रीड एंड राइट स्पीड की बात करते हैं तो 250GB मॉडल के अंदर आपको 3400 MBPS की रीड स्पीड मिलती है और 1400 MBPS की राइट स्पीड मिलती है। 500GB, 1TB एंड 2TB मॉडल के अंदर आपको 3400 MBPS की रीड स्पीड मिलती है और 3000 MBPS की राइट स्पीड देखने को मिल जाती है। मीन टाइम बिटवीन फेलियर दिया गया है 1.8 मिलियन आवर्स का और राइट एंड्योरेंस की अगर हम बात करते हैं तो 250GB वेरिएंट के अंदर 150TBW, 500GB वेरिएंट के अंदर 300TBW, 1TB वेरिएंट के अंदर 600TBW और 2TB वेरिएंट के अंदर 1200TBW का राइट एंड्योरेंस दिया गया है।
क्रूशल P5 NVMe 250GB वेरिएंट के लिए आपको देने होंगे तकरीबन 6,000 रुपए। 500GB का वेरिएंट आपको पड़ेगा तकरीबन 8,000 रुपए के आसपास का। 1TB का वेरिएंट अगर आप खरीदते हैं तो तकरीबन 14,500 रुपए के आसपास आपको खर्च करने होंगे। और 2TB के वेरिएंट की प्राइस ऑनलाइन मार्केट में अवेलेबल नहीं है और ऑफलाइन का अभी तक मुझे पता नहीं है। एक वक्त ऐसा भी था जब चाहे पेन ड्राइव खरीदनी हो, मेमोरी कार्ड खरीदना हो या फिर रैम खरीदनी हो, किंगस्टन के अलावा कोई दूसरा नाम हमारे दिमाग में आता ही नहीं था। आज की वीडियो में तीसरे नंबर पर जगह बना पाई है किंगस्टन की KC 2500 Gen 3 NVMe के चार वेरिएंट अवेलेबल है। कैपेसिटी के अकॉर्डिंग है 250GB है, 500GB है, 1TB एंड 2TB, जिसके अंदर सिलिकॉन मोशन का कंट्रोलर दिया गया है। मॉडल नंबर है SM2262EN और डेटा को स्टोर करने के लिए तोशिबा की BICS 496 layer TLC NAND फ्लैश मेमोरीज का यूज किया गया है। और इसके सभी मॉडल्स के अंदर आपको DDR3 लो पावर वाली DRAM देखने को मिल जाती है। 250GB मॉडल के अंदर आपको 3500 MBPS की रीड स्पीड और 1200 MBPS की राइट स्पीड देखने को मिल जाती है। वहीं पर इसके 500GB मॉडल के अंदर आपको 3500 MBPS की रीड स्पीड दी गई है और राइट स्पीड दी गई है 2500 MBPS की। और अगर आप इसका 1TB या 2TB का मॉडल बाय करते हैं तो आपको जो रीड स्पीड मिलेगी वो 3500 MBPS की मिलेगी और राइट स्पीड मिलती है 2900 MBPS की। अगर इसकी लाइफ साइकिल की बात करते हैं तो MTBF यानी मीन टाइम बिटवीन फेलियर दिया गया है 2 मिलियन आवर्स का। 250GB मॉडल के लिए 250 TBW का राइट एंडोरेंस दिया गया है। 500GB मॉडल के लिए इसके अंदर 300 TBW का राइट एंडोरेंस मिल जाता है आपको। 1TB मॉडल के लिए 600 TBW का और 2TB मॉडल के लिए 1200 TBW का राइट एंडोरेंस दिया गया है। 250GB वेरिएंट को खरीदने के लिए आपको खर्च करने होंगे 5,000 रुपए। 500GB का वेरिएंट अगर आप खरीदना चाहते हैं तो इसके लिए आपको देने होंगे 6,800 रुपए। 1TB मॉडल के लिए आपको देने होंगे 12,500 रुपए के आसपास और 2TB मॉडल के लिए आपको देने होंगे तकरीबन 32,000 रुपए। कंप्यूटर्स के लिए मदरबोर्ड बनाने वाले लीडिंग ब्रांड गीगाबाइट का कौन नहीं जानता। आज की वीडियो में सेकंड नंबर पर जगह बना पाई है गीगाबाइट की M30 Gen 3 NVMe SSD। इसके दो मॉडल अवेलेबल है। पहला है 512GB का, जिसके अंदर डेटा को स्टोर करने के लिए 3D TLC NAND फ्लैश मेमोरीज का यूज किया गया है। DRAM इसके अंदर दी गई है 2GB की DDR3L मेमोरी है, ठीक है, L मतलब लो पावर। और यहाँ पर 3500 MBPS का सिक्वेंशियल रीड इसमें दिया गया है और राइट स्पीड इसमें दी गई है 2600 MBPS की। अब कितने दिनों तक ये लगातार चल सकती है तो इसके अंदर जो MTBF यानी कि मीन टाइम बिटवीन फेलियर टाइम दिया गया है वो दिया गया है 2 मिलियन आवर्स का, जो कि काफ़ी एक लंबा पीरियड होता है। अब बात करें वारंटी की, तो वारंटी इसके अंदर दी गई है 5 साल या फिर 350 TBW, जो भी पहले पूरा हो जाए। 1TB मॉडल की अगर हम बात करते हैं तो इसके अंदर आपको 3D TLC NAND फ्लैश मेमोरीज का यूज़ किया गया है डेटा को स्टोर करने के लिए। 2GB की DRAM है, जो कि पहले भी 512GB वाले मॉडल के अंदर भी 2GB की DRAM थी इसके अंदर। और सिक्वेंशियल रीड स्पीड मिलती है आपको 3500 MBPS की, राइट स्पीड मिलती है 3000 MBPS की, जो कि पिछले वाले मॉडल के मुकाबले में 400 MBPS ज़्यादा है। मीन टाइम टू बिटवीन फेलियर इसके अंदर भी 2 मिलियन आवर्स का दिया गया है, जो कि काफ़ी है, इनफ है। वारंटी इसमें मिलेगी 5 साल या फिर 650 TBW, जो भी पहले पूरा हो जाए। अब बात करते हैं प्राइसिंग की। 500GB वेरिएंट के लिए आपको तकरीबन 5,700 रुपए तक खर्च करने पड़ेंगे और 1TB वेरिएंट के लिए आपको 10,700 रुपए तक खर्च करने पड़ेंगे। और आज की वीडियो की नंबर वन पोजीशन पर जो NVMe SSD आती है वो है Samsung की 970 EVO Plus। मैंने मेरी पिछली वीडियो, जिसके अंदर मैंने आपको Gen 4 NVMe SSD के बारे में बताया था, उसके अंदर मैंने Samsung ब्रांड को 5वें नंबर पर रखा था, लेकिन Gen 3 वाले मामले में ये नंबर 1 पोजीशन पर आता है। Samsung 970 EVO Plus के चार वेरिएंट मार्केट में अवेलेबल है, 250GB, 500GB, 1TB एंड 2TB। Samsung का इन हाउस कंट्रोलर दिया गया है, जो कि पता नहीं कौन सा है। डेटा को स्टोर करने के लिए Samsung की V9 3-bit MLC NAND फ्लैश मेमोरी का इस्तेमाल किया गया है। वैसे मैं आपको बता दूं कि 3-bit MLC नाम की कोई चीज नहीं होती, क्योंकि 3-bit जिस सेल में स्टोर होते हैं वो TLC मेमोरी हो जाती है। तो यहाँ पर ये जो नाम का कन्फ्यूजन Samsung ने क्रिएट किया है, ये हर बार यही करता है। एंड ऑफ कोर्स इस मॉडल के अंदर DRAM अवेलेबल है 250GB और 500GB मॉडल के अंदर 512MB DRAM दी गई है। 1TB मॉडल के अंदर आपको 1GB की लो पावर DDR4 DRAM देखने को मिलती है और 2TB मॉडल के अंदर 2GB की DRAM देखने को मिलती है। अब हम बात करते हैं इसकी रीड एंड राइट स्पीड के बारे में। तो 250GB मॉडल के अंदर आपको 3500 MBPS की रीड स्पीड मिलती है और 2300 MBPS की राइट स्पीड देखने को मिलती है। 500GB मॉडल अगर आप बाय करते हैं तो 3500 MBPS की रीड स्पीड मिलेगी और राइट स्पीड मिलेगी आपको 3200 MBPS की। 1TB एंड 2TB मॉडल के अंदर 3500 MBPS का रीड स्पीड दी गई है और राइट स्पीड दी गई है आपको 3300 MBPS की।
अब हम बात करते हैं इसका MTBF यानी कि मीन टाइम बिटवीन फेलियर। तो 1.5 मिलियन आवर्स का इसके अंदर मीन टाइम टू बिटवीन फेलियर टाइम दिया गया है। 250GB मॉडल के अंदर 150TBW का राइट एंडोरेंस मिलेगा आपको, 500GB मॉडल के अंदर 300TBW का है, 1TB मॉडल के अंदर 600TBW का राइट एंडोरेंस दिया गया है, और 2TB मॉडल के अंदर 1200TBW का राइट एंडोरेंस देखने को मिल जाता है। 250GB मॉडल के लिए आपको 5,000 रुपये के आसपास खर्च करने होंगे। अगर आप इसका 500GB का मॉडल बाय करना चाहते हैं तो तकरीबन 7,000 रुपये के आसपास आपको जेब ढीली करनी होगी, और 1TB का मॉडल आप बाय कर सकते हैं तकरीबन 12,200 रुपये के आसपास, और 2TB का मॉडल को अपना बनाने के लिए आपको खर्च करने होंगे 23,400 रुपये। दोस्तों वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अगर आपको आज के जो वीडियो है उसके अंदर जो TBW है, एंडोरेंस है, ये शब्द अगर नए लग रहे हैं, पहली बार सुने हैं, तो आपको करना क्या है, सिंपल है, आपको सिर्फ ये वाली वीडियो देखनी है और आपको सब क्लियर हो जाएगा। टॉप 5 जैन 4 NVMe या फिर टॉप 5 जैन 3 NVMe ये सभी आपके बजट से बाहर है तो कोई चिंता वाली बात नहीं है दोस्तों, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं टॉप 5 लो बजट लेकिन हाई परफॉर्मेंस गेमिंग NVMe जैन 3 SSD के बारे में। तो दोस्तों इजाजत दीजिए क्योंकि अगली वीडियो के लिए काफी कुछ मटेरियल इकट्ठा करना पड़ेगा। ठीक है, गुड बाय बाय।